So boys and girls, ladies and gentlemen, welcome back to another video. Welcome back to the channel. While you are at it, please subscribe to the channel for this view. This is new vlog, day 2. Yesterday I have camped over there and abhi wahan se wapas ja rahe hain. So this place is Loren. It's a part of Kashmir and jitne bhi yahan pe ghar hain sab Kashmiriyon ke hain. So the place is actually very beautiful. So yeah, it's very cool and look at this view. So जी ये भैया लोग मिले थे, they helped us. Actually they didn't help, they asked and we didn't actually needed it. और कैसा एडवेंचर कराना है गाइस CP200X से. एकदम प्यार से लेके जाएंगे हम, लेकिन ये पत्थर, इस पत्थर ने कल भी बड़ी जान दुखी की थी लेकिन आज भी ये उधर ही है. हाँ गोबर में गई. I don't have much storage on my memory card, so this vlog is gonna be very very short. Fuck. देखो वादियाँ. हाँ मेरा पार्टनर छोड़ के भाग गया यार सुबह सुबह. कमीना इंसान, अगर तू ये व्लॉग देखेगा ना तुझे लानत पड़ेगी. और तुझे पता है सुबह सुबह उठ के कॉफ़ी एंड सैंडविच विद चीज़, ब्रो क्या फील थी. एंड सनराइज हो रहा था. अगर वीडियो लास्ट वाला नहीं देखा ना तो देख लो एक बारी. लुक एट दिस एडवेंचर, और क्या चाहिए. सो वही सुबह सुबह उठ के मैंने पहले किया अपना कैंप जो था वो. एक्चुअली पहले कैंप नहीं किया, पहले हमने मुँह धोया ठंडे पानी से. भाई लिटरली बहुत ही ठंडा पानी था, गजब लेवल का. तो फिर उसके बाद हम क्या होता है, मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूँ. सो उसके बाद मैंने क्या क्या किया, थोड़ी देर ऐसे चिल किया. फिर उसके बाद मैंने कॉफ़ी बनाई, फिर मैंने कॉफ़ी भी, फिर साथ में एक सैंडविच बनाया विद चीज़ एंड बस वही था. तो अभी रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, दिन को गर्मी है. और लुक एट दिस व्यू गाइस, इट्स सो क्यूट क्यूट, प्यारा प्यारा. तो बाइक देखो कैसे मस्त चढ़ रही है, धनाधन दो नंबर में. सेकंड गियर डाला हुआ है, दूसरा हाथ भी रख लेता हूँ, स्टाइल बाद में मारेंगे. मेरे को दूसरा हाथ रखने की आदत नहीं है यार, मेरे को पता नहीं क्या हो गया. मैं ये हाथ ऐसे रख लेता हूँ, कभी कभी इधर होता है सीट पे, कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है, तो ऐसा कुछ सीन रहता है. सो यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ से ऊपर एक वाटरफॉल है फेमस जैसा. तो अगर आप लोग पुंछ से हो या पुंछ में आ रहे हो तो ये वाले वाटरफॉल पे लोरन में है, यहाँ पे आ सकते हो आप लोग. ये वाला पहाड़ देखो, और पहाड़ के ऊपर से पानी आ रही है गाइस, बहुत ज़बरदस्त है. लेकिन जब यहाँ पे रेनी सीजन होता है ना, मानसून होता है, तो तब ये वाला जो होता है भाई, गजब ही लग रहा होता है. और लैंड स्लाइडिंग देखो भाई, गलती से कोई पत्थर आ जाए ना. आप लोगों को कैसे इंटरटेन किया जाए, तो मैं सोच रहा हूँ ये वाली जगह ही दिखा देता हूँ, तो इंटरटेन भी हो जाओगे और मेरा व्लॉग भी हो जाएगा. और मेरे अगर इस व्लॉग से थोड़े से सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे, और जो नए आएंगे वो कमेंट भी करेंगे. अगर कमेंट नहीं करोगे तो फिर भाई पंगा है, ठीक है. तो इस व्लॉग से अगर कोई नया आ रहा है तो डेफिनेटली भाई कमेंट करके बताओ यार, तुम लोगों का मैं स्वागत करूँगा ना. तो मैं हूँ जनाब, भाई जो भी हो, बहन. आई एम फ्रॉम J&K पुंछ. आई मेक मोटर व्लॉग्स, आई मेक कैंपिंग व्लॉग्स. जो भी मेरे को मन करेगा मैं वही व्लॉग बनाएगा. तो डेफिनेटली अप टू द मार्क रखने की कोशिश करूँगा मैं. सो लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाउसेस, कश्मीरी स्टाइल हाउसेस. और यहाँ पे बर्फ़ हो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से ये वाले टाइप के घर रहते रहे भाओ. सो बॉयज एंड गर्ल्स, जो था मेमोरी कार्ड वो फुल हो गया था. एंड लुक एट दिस व्यू, दिस रियली बहुत प्यारा व्यू आ रहा है. हो क्या वादी है यार, ऐसे किसी लोकेशन पे बंदे के घर होना चाहिए. एनीवेज, हाँ लेट्स कंटिन्यू विद आवर जर्नी.
अभी चलते हैं सीधा, थोड़ा आगे अगर कुछ दिखाने के लिए होगा देन डेफिनेटली दिखाऊंगा मैं, और आप तो इस व्लॉग को एक जगह का टूर ही समझ लें मस्त किस्म का। बैठे रहो ना जी, लोग रोड में बैठ के क्या करना चाह रहे हैं यार, मतलब ये चारों के चारों मरना चाह रही थी ऑंटियाँ। यार बहुत ही खतरनाक रोड है, गलती से थोड़ा सा भी हुआ ना तुमसे रोड में नहीं गिरोगे, जाके वो तो नीचे गिरोगे। अदानी चलते प्यार सोनी अदानी चलते प्यार, बैग पीछे लगाने का ये फायदा सीट पे बांधने का कि भाई क्या बैग रेस्ट बनती है जबरदस्त। इधर लोगों के पास भैंसे कम है गाय ज्यादा है, कश्मीरी लव गाय। चार ब्लिंकर है मैं लगे हुए, सर्विस रिमाइंडर दे रही है लेकिन मैंने इसकी सर्विस कर दी थी। ये आगे जो जंक्शन लाया अब भी एक नीचे रोड जाती है, तो हमारा प्लान बन रहा है कि क्यों ना उस पर भी कभी जिंदगी में जाया जाए। अब लग जाएगा वहां तक, लग जाएगा लग जाएगा लग जाएगा। यो मुझे सबसे पसंद जो जगह है इस एरिया में वो पता है कौन सी है, वो ये वाली है, ये वाली जगह मुझे बहुत पसंद है यार। ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये भी पुंछ का ही हिस्सा है। सो जो मुझे लगता है ना आज़ाद पी ओ की है वो भी खूब हो ऐसा ही दिखता है, और ऐसे ही घर हैं और ऐसे ही कुछ कल्चर है वहाँ का भी शायद से। अब वहाँ पे कौन सी कश्मीरी रहते हैं, आई थिंक कश्मीरी रहते हैं, वो भी लोग कश्मीरी बोलते हैं, तो ये भी सेम उसी जैसा ही है। तो अगर आप लोगों को यकीन ना आए ना तो आप एक बार आज़ाद पी ओ की कोई वीडियो उठा के देखें, जो हवेली है तो हवेली के साथ वाला जो एरिया है वो उठा के देखें आप, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी ही सड़कें हैं, मतलब इससे तो अच्छी होंगी यार वहाँ की सड़कें, ये मैं बेट लगा के कह सकता हूँ। क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट पाकिस्तान की तो चोर है ही है, हर बारी उड़ जाती है, इंडिया के ऊपर से लेके नीचे तक चोर है। ये देखें घर कैसे एकदम ज़बरदस्त किस्म के ना, बट वो जगह भी जो उसकी आर्ट डिस्ट्रिक्ट है ना आज़ाद भी होगी भाई, आज़ाद कश्मीर पी ओ के पाकिस्तानों को पैट कश्मीर जो भी उसको बोलते हैं, जितने भी उसके नाम हैं आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं अगर कुछ भी कह रहा हूँ तो प्लीज़, मैं अभी जगह की फील ले रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जज मत करें। घर देखें यार बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, और वुड से बने होते हैं, ऊपर टिन यूज़ किया होता है, पत्थरों के बने हुए और लकड़ी के बने हुए, बस दुकानें तो बड़ी जुगाड़ है।
तो ये एरिया को हम लेफ्ट कर रहे हैं अभी। अरे यहाँ की सड़कें ऐसी है गाइस, सॉरी मेन सिटी वाली साइड पुंच जो है उधर ठीक है मसला एज कम्पेयर टू राजौरी। लेकिन ऐसे रिमोट एरियाज में रोड की बड़ी खस्ता हालत है। घना जंगल और क्या घने पेड़ हैं यार, फील ही कसम से अलग है। धूल मिट्टी कीचड़ भी हो रखा है, रात को जो बारिश हुई है उसकी वजह से। लेकिन बारिश कहाँ हुई है यार, अगर यहाँ पे हुई होती बारिश तो ये धूल क्यों होती, पता नहीं कैसे हुआ पानी। लेकिन बारिश तो रही, टेंट पे तो खतरनाक पड़ी थी। क्या मसला है, क्यों मरने लगे बुढ़े, उड़ता ही हुआ आ रहा था शेर। श्री बुढ़ा अमरनाथ, नहीं तो ये जितने बुजुर्ग लोग होते हैं गाड़ी चलाने वाले, ये ना आगे देखते ना पीछे देखते हैं, इनको सीधी सीधी चलानी आती है बस। कम खत्म, गल खत्म, गियर डालो, गाड़ी चलाओ बस, उतने से मतलब है इनको। गाइस ये आगे जी इसका जो भी हमारी लोरेन मंडी वाला एरिया है पुंछ का, तो इसका ये मेन बाज़ार है। बड़े ही मतलब पुराने टाइप की वाइब्स देते हैं बाज़ार, मतलब कुछ अलग टाइप की। सर पतली सी रोड है, पतली सी रोड की चारों साइड दुकानें हैं, चारों साइड नहीं साइड दो ही हैं, लेकिन दुकान कोई भी माफ़ नहीं करी है। देखा इधर एक गाड़ी निकल ले रहा अगर तो लोगों से बंदा नहीं साइड हो सकता। क्या बोला मैंने, तो ये है कि जी इसका मेन बाज़ार और यहाँ से हम निकल रहे हैं। लेकिन आगे से गाड़ी आ गया, यो हम रोड से बाहर उतरते हुए। ओहो भाई धीरे 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 धीरे, तेरे को नेट नेट गिर जाएंगे यार निकल के, आस्ते चल, गप्पे मार लो तुम लोग, मुझे पता ही नहीं आना, मैं बंद करके ही खड़ा हो गया हूँ। अंजुम बादशाह 28, वाह 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 वाह, बादशाह है यार, सच्ची वाला बादशाह है। अभी तो रोड ब्लॉक करके खड़ा था, और हमारे केटन वाले भाई साहब को गुस्सा आते हुए गाड़ी की लम निकालते हुए जा रहा है। भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है और भाई मेरे लिए दुदड़ कर रहे हो, देखो कैसे कटो कट जा रही है यार केटन। ओए होए होए, ओ भाई भाई भाई, मैं तो इस साइड रह लूँगा यार, मुझे नहीं तो दड़ खिला दूँ। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एवरी स्पंज ये मेरा मेन टारगेट था। तो अगर आप लोगों को ये जगह और ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी कर दें। शेयर तो आप करते नहीं हो तो शेयर ना भी करें, सब्सक्राइब कर दें शेयर की जगह, ठीक है, अगर आप लोग नए देख रहे हो। So yeah, that's it for this video and I will catch you guys in my next video. Till then, boom, 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 boom.